हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। एंड इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो का टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये नया एक ड्राफ्ट पॉलिसी निकाला है, तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम डिस्कस करना चाहते हैं इस पॉलिसी में क्या राइट्स डिस्कस करेंगे कंज्यूमर के, क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में, और हर कैटेगरी के कंज्यूमर को ये कैसे इफेक्ट करेगा, चाहे आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो, चाहे आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, या फिर आप कमर्शियल कंज्यूमर हो, और जो हम चार्जेस देते आए हैं अब तक डिस्कॉम को, क्या उसके अंदर कोई चेंज होगा, क्या नहीं होगा। एंड हमारी जैसा गवर्नमेंट कह रही है, ये पॉलिसी जो नई ड्राफ्ट बना रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी प्रो कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के हक में होगी। एक तो आइए जानते हैं क्या ये असली में कंज्यूमर के हक में है या नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट एक और इस चीज़ निकाली है, गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में बोला है कि हम कंज्यूमर को चाहते हैं कि वो कंज्यूमर ना रहे, वो प्रोज्यूमर बने, जो कि है वो प्रोड्यूस भी करे अपनी बिजली और कंज्यूम भी करे हमसे। तो प्रोड्यूस किस तरीके से करें, गवर्नमेंट पुश कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करके, आप सोलर पावर प्लांट अडॉप्ट करके अपना प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी और कंज्यूम करें इलेक्ट्रिसिटी। और ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है अर्जेंसी में क्योंकि ये ड्राफ्ट पॉलिसी निकाला गया है 9 सितंबर को, एंड इसके अंदर गवर्नमेंट ने मात्र 21 दिन का टाइम दिया है बिफोर दिस पॉलिसी इज पब्लिश्ड ऑन द राज्यसभा और द पार्लियामेंट्री डिस्कशंस। एंड उस डिस्कशंस में 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा और ये पॉलिसी लाइव हो जाएगी एंड ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इन 21 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने हमें चांस दिया है एज अ जनरल पब्लिक कि हम इनको अपने इनपुट और सजेशन भेज सकें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी में नॉर्मली समझ में आए कि क्या इस पॉलिसी के अंदर कुछ फायदेमंद है, क्या नहीं है, और क्या फीडबैक देना चाहिए आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये है कंज्यूमर राइट पॉलिसी का पहला पेज। इसके अंदर बोला गया है कि 21 दिन है हमारे पास टोटल, और इन ईमेल्स पे हमें मेल करना है sandeep.naik68@gov.in और debranjan.chattopadhyay@nac.in। तो आइए हम शुरू करते हैं क्या ये पॉलिसी के अंदर डिस्कशन हुआ है। इस पॉलिसी के अंदर डिस्कशन हुआ है कि पहले डिस्कॉम को बोला गया कि जितने भी बिजली विभाग है उनको बोला गया कि सब कुछ आप अपना ऑनलाइन ले जाओ ताकि कंज्यूमर को इजी रहे, घर पर बैठे बैठे वो फॉर्म ढूंढ सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए डिस्कॉम को बोला गया है, जिसके अंदर सारा प्रोसीजर कैसे नया कनेक्शन ले, टेम्परेरी कनेक्शन ले, अपना कनेक्शन शिफ्ट करें, कंज्यूमर कैटेगरी चेंज करें, लोड बढ़वाना है, घटवाना है, ओनरशिप ट्रांसफर करनी है या डिस्कनेक्ट करना है। तो ये कंज्यूमर के हक के लिए है कि डिस्कॉम ऑनलाइन लेके जाए ताकि कंज्यूमर को इधर उधर भागना ना पड़े। तो अच्छी चीज़ है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म गवर्नमेंट कह रही है कि डिस्कॉम को एप्लीकेशन फॉर्म फ्री अवेलेबल करवाने होंगे, और जो भी प्रोसेसिंग फीस ये लेते आए हैं, जैसे कि आप अपना सैक्शन लोड बढ़वाने जाते थे 5 किलोवाट से 10 किलोवाट करवाने जा रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपये 10,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देने होते थे डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर या चेक के तौर पर डिस्कॉम को। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये सब बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नॉर्मली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ये तो आपका सर्विस बनता है कंज्यूमर को प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करी जाएंगी अपने वेबसाइट पर और ऑफलाइन पोर्टल्स में। और गवर्नमेंट का पुश यही पे है कि डिजिटलाइजेशन हो इन सारी चीज़ों की, जो ये चक्कर काटने पड़ते थे बिजली विभाग के ऑफिसर्स के, ये ना काटने पड़े, तो ये सब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ये सारा जो ऑनलाइन अवेलेबल होगा इसके अंदर सब SMS के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू कंज्यूमर को पता लगता रहेगा कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, किस स्टेज पे हूँ मैं अभी, मेरा क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा हो गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रह रहा है, और वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो आप ऑनलाइन। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो बोली गई है, 10 किलोवाट तक का अगर आपका कनेक्शन आप अप्लाई करते हो, जो कि मेनली आता है रेजिडेंशियल कंज्यूमर, हो सकता है स्मॉल इंडस्ट्री हो, कोई दुकान हो, शॉप हो, तो वहाँ पे 10 किलोवाट तक का अगर कंज्यूमर कनेक्शन अप्लाई करता है तो आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपका आधार कार्ड चाहिए और एक आपका प्रॉपर्टी प्रूफ चाहिए जो कि रजिस्ट्री होगी, प्रॉपर्टी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होगा अगर आप रेंट पे हैं, तो ये 2 सर्टिफिकेट आपको देने हैं ऑनलाइन अपलोड करने और आपका 10 किलोवाट का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप नेक्स्ट चीज बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 7 दिन मिलेंगे शहर में कनेक्शन नया प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी कंज्यूमर कोई भी रिक्वेस्ट करता है अपने बिजली विभाग को कि भाई मेरा कनेक्शन बढ़ा दो, घटा दो, काट दो मेरा कनेक्शन, नाम चेंज कर दो मेरे कनेक्शन में, ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट अगर कंज्यूमर करता है तो शहर के अंदर है वो, मेट्रो सिटीज में है, तो 7 दिन मिलेंगे डिस्कॉम को ये करने के लिए, 15 दिन मिलेंगे म्यूनसिपल एरिया में है, जैसे आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी हो गया, सब अर्बन एरिया हो गया, और अगर रूरल एरिया में गांव में है तो 30 दिन के अंदर अंदर इनको नया कनेक्शन या फिर मॉडिफाई जो भी रिक्वेस्ट होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज बोली है गवर्नमेंट ने कि 150 किलोवाट का अगर कनेक्शन है, पूरे इंडिया में अलग अलग बिजली विभाग है, हर स्टेट में 4-4, 5-5 बिजली विभाग है, तो सबके अलग अलग डिमांड चार्जेस हैं, अलग अलग टैरिफ रेट्स हैं, तो इस पॉलिसी में डिस्कॉम्स को बोला गया है कि 150 किलोवाट इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है उसका एक कांस्टेंट डिमांड चार्ज रहेगा पूरे इंडिया में, और जो टैरिफ है वो पूरे इंडिया में एक डिसाइड होकर करा जाएगा। इसका हमें अभी कोई क्लू नहीं है कैसे आएगा ये, बट ये डिमांड रखी गई है कि गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी डिस्कॉम को। अभी ड्राफ्ट है ये, असली होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि आप लोगों के साथ डिस्कॉम भी ईमेल भेज रही है गवर्नमेंट को कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, डिस्कॉम के लिए खराब है ये, तो आपके लिए भी जो चीज़ खराब है आप भी ईमेल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए तो यहाँ पे तो ये अच्छा पॉइंट था, 150 किलोवाट वाला और 10 किलोवाट वाला। अच्छा, मीटरिंग में बात है, मीटर जो भी होता था मीटर के चार्जेस कंज्यूमर को बेयर करने पड़ते थे। अच्छा, अब ये चॉइस है कंज्यूमर के पास, यहाँ तो ये कंज्यूमर मीटर डायरेक्ट उनसे लगवा सकता है बिजली विभाग से, यहाँ तो खुद भी लाके मीटर दे सकता है उनको। अच्छा, ये डिस्कॉम बताएगी कि कौन कौन सा मीटर अप्रूव हुआ है, टेस्ट करवाना पड़ेगा उसका, तो ये इसके चार्जेस देने पड़ेंगे आपको, और आपका थोड़ा और ईज आउट करने के लिए कंज्यूमर को राइट देने के लिए डिस्कॉम आपको ऑफर कर सकती है MCB इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, आपका जो LT पैनल लगता है, डब्बा लगता है जो मीटर के वहाँ से आता है, और MCBs लगती हैं, फ्यूज लगते हैं, तो वो आप खुद भी लगवा सकते हैं और डिस्कॉम भी अभी ऑफर करेगा लगवाने के लिए, तो ये इजी हो जाएगा सब कुछ। और स्मार्ट मीटर की बात हुई है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्मार्ट मीटर के थ्रू पेमेंट होगी,
तो आपको ऑनलाइन आपका रियल टाइम में आपको पता लगता रहेगा कि इस पिछले 10 दिन में मैंने कितना कंज्यूम करा, इस हफ्ते मेरी बिजली कितनी कंज्यूम हुई और मेरा कितना बिल बन रहा है, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे कि आपकी इतनी बिजली का बिल आएगा ही आएगा, ताकि आप 30वें दिन पे आपको शॉक ना लगे अरे 10,000 का बिल आ गया, 10,000 का बिल कैसे आ गया क्योंकि भाई एसी चल रहा है। तो आपको ये रियल टाइम में मोबाइल ऐप पे या फिर एसएमएस पे आपको पता लगता रहेगा स्मार्ट मीटर जब लगेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है डिस्काउंट को कि स्मार्ट मीटर लगाओ जो कि प्रीपेड मीटर होंगे, आप रिचार्ज कराओ, आपने मान लो 2,000 का रिचार्ज कराया, 2,000 की बिजली कंज्यूम कर लिया, आपका बिजली का कनेक्शन वहीं पर कट हो जाएगा, फिर आप अपना ऑनलाइन रिचार्ज कराओगे 2,000 का, तो 2,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 2,000 की बिजली फिर यूज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट कह रही है ये भी एक अच्छी चीज है, इससे डिस्काउंट के लिए भी भला काफी हो रहा है डिस्काउंट का, कि उनको जो बिजली की चोरी होती थी टाइम पे पेमेंट नहीं होती थी, डिस्काउंट हमारा लॉसेज में अभी देखा जाए इंडिया में टोटल डिस्काउंट का लॉसेज इज मोर देन 10 लाख करोड़ रुपीज। तो डिस्काउंट के हक में भी है पॉलिसी और कंज्यूमर के हक में भी है, तो डिस्काउंट डिजिटल जाएगी कंज्यूमर डिजिटल जाएगा, तो दोनों का बेनिफिट है, दोनों का काम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं टेस्टिंग ऑफ मीटर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ टेस्ट आप बाहर से भी करवा सकते हो, और अगर डिस्काउंट से करवाओगे तो ये कोई फीस नहीं लेगी, डिस्काउंट कोई फीस नहीं लेगी। अब तक ये फीस लेते थे 5,000 रुपए 4,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन 3 फेज सिंगल फेज है, तो मीटर को चेक करने की फीस लेते थे कि हाँ ये मीटर ओके लगा लो, तो इसकी कोई फीस नहीं है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है ये मीटर लगाना। अच्छा अब अगर आपका मीटर जल जाता है खराब हो जाता है, अगर वो डिस्काउंट की गलती से हुआ है, ग्रिड में वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ रही है, ट्रांसफार्मर फट गया आस पड़ोस में, अगर ये डिस्काउंट की गलती है तो मीटर फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा। अगर आपकी गलती है आपका एमसीबी गलत लगा हुआ है, आपका अर्थिंग ढंग से नहीं रखी लीकेज हो रही है, तो ये आपकी गलती है, तो आप बेयर करोगे चार्जेस, जो कि ठीक है पहले भी ऐसी होता है अभी भी ऐसी रहेगा। अच्छा एक और चीज बोली है कि अगर कोई मीटर खराब हो जाता है जल जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली इनको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, चाहे वो मीटर जला हो, अगर वो ठीक नहीं कर पा रहे तो इसमें कंज्यूमर की कोई गलती नहीं है, कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरा मीटर जल गया है मेरा चेंज करो, तो वहां से बिजली आपको देंगे ही देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर डिस्काउंट को मीटर अवेलेबल नहीं होता तब आपको फ्री बिजली मिलेगी जब तक डिस्काउंट मीटर अवेलेबल नहीं कराता, तो ये कंज्यूमर के हक में बात है, बहुत बढ़िया चीज है ये। अब बिलिंग और पेमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बिलिंग कैसे आएगी। बिलिंग ये इस तरीके से आएगी, आपको बिल में क्लियरली लिखा जाएगा कि टैरिफ इतना है, इतना इतने टाइम के लिए बिल आया है, जो कि अभी भी लिखा जाता है, और 10 दिन पहले आपको जो ड्यू डेट होती है उससे पहले पहले बिल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा और एक और चीज गवर्नमेंट ने बोली है, डिस्काउंट को आदेश दिया है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आपको हर 30 दिन में एक रीडिंग लेने जाना होता है। अगर आप बिल नहीं लेने जाते वहाँ पे मीटर की रीडिंग नहीं लेने जाते, तो आप ऑप्शन दोगे अपने कंज्यूमर को कि वो फोटो क्लिक करके आपके ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकता है कि मीटर की रीडिंग की फोटो ले लेगा वो और डाल देगा, तो डिस्काउंट उस बेसिस पर बिल जनरेट कर देगा। जैसा कि अभी लॉकडाउन वाली सिचुएशन में हुआ है कि डिस्काउंट 3-3 महीने तक बिल नहीं लेने आया और एकदम से कस्टमर्स के लिए बिल आया बहुत ज्यादा, तो ये चीज हक में है कंज्यूमर के और डिस्काउंट के भी हक में है, क्योंकि इसके अंदर जो उनका एक टीम रखते थे वो जो जिसका काम ही यही था कि वो घूम घूम के बिल कलेक्ट करता है, तो ये अब कंज्यूमर खुद भी कर सकता है और इसके ऊपर 50-60 रुपए का आपको रिबेट भी मिलेगा अगर आप खुद अपना बिल क्लिक करके भेजते हो। अब नेक्स्ट जो चीज है ये है कि डिस्काउंट को आपको बिल देना ही होगा 7 दिन के अंदर अंदर। अगर 2 महीने के बाद वो बिल दे रहा है और वो बहुत ज्यादा बिल आता है, तो आप एज अ कंज्यूमर मना कर सकते हो कि मैं ये बिल नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा है, अब नॉर्मल बिल है, मैं नहीं दूंगा। तो अगर आप मना करते हो बिल नहीं देगी आप, तो आप 7 दिन के अगर अंदर अंदर तक तो देना पड़ेगा, अगर 7 दिन के बाद है तो आपको ये रिबेट अवेल करवाएंगे 2-5% और फिर आप बिल पे कर सकते हो अपना। अच्छा पेमेंट ऑफ बिल कैसे होगी, अब टोटली जो पेमेंट ऑफ बिल होने लगी है गवर्नमेंट पुश कर रही है कि ऑनलाइन हो, ताकि जो चोरी चकारी होती थी इसके अंदर ये बंद हो जाए, और जो घूसखोरी चलती थी इसके अंदर ये भी बंद हो जाए, लेट बिल होता था तो काम हो जाते थे ऐसे चुपचाप। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपका बिल 1,000 रुपए से ऊपर है ऑनलाइन पेमेंट ओनली, मैंडेटरी हो जाएगा कि ये बिल ऑनलाइन पे हो। इससे क्या होगा, हमारी सरकार को भी पता रहेगा कि डिस्काउंट ये जो पिछले 10 साल से गीत गा रहे हैं, हम घाटे में हैं 10 लाख करोड़ का लॉस है हमें, तो गवर्नमेंट को भी पता रहेगा कि भाई असली अकाउंट बुक्स क्या है डिस्काउंट की, असली में लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत कंज्यूमर के हक में है, 1,000 रुपए से ऊपर है तो, और कभी भी ऑनलाइन बिल पे कर सकते हो आप अपना, ऑनलाइन आपको लाइनों में नहीं लगना, जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा एडवांस बिल भी पे कर सकते हो आप, आपका मान लो इस बार बिल आया 10,000 रुपए, आपके पास एक्स्ट्रा कैश, आपने 20,000 रुपए डलवा दिया, तो आप ये बिल एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हो, प्रीपेड जो मीटर है इसके अंदर आप एक्स्ट्रा रिचार्ज कराओगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है, तो ये कंज्यूमर के हक में है ये वाली चीज़। अब डिस्कस करते हैं डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन रिक्वेस्ट। आप अगर डिस्काउंट को बोलते हो कि मेरा कनेक्शन परमानेंटली काट दो, तो डिस्काउंट को आपका हिसाब करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर, आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो आपका कनेक्शन वनेक्शन काट के, आपकी पिछली रीडिंग लेके, आपके जो भी स्टैंडिंग अमाउंट है, आपको सब ड्यू डिलिजेंस अपना क्लियर करके आपका 7 दिन के अंदर अंदर आपका हिसाब करना होगा, ताकि ये आपके सुविधा में रहे। आपको मान लो कहीं शिफ्ट करना है, आपने प्रॉपर्टी बेच दी या फिर आप रेंट पे, आपको कहीं शिफ्ट करना है, आप डिस्काउंट को कहते हो मेरी बिजली काट दो, तो ये 7 दिन के अंदर अंदर हिसाब किताब होगा और वो भी ऑनलाइन। तो ये कंज्यूमर के हक में चीज़ है, अभी तक सारी कंज्यूमर के हक में आ रही है चीज़ और डिस्काउंट के भी हक में है, तो दोनों का फायदा हो रहा है और सरकार के हक में मेनली, क्योंकि सरकार का इसके अंदर बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सरकार मॉनिटर कर सकती है हमारी कंज्यूमर को भी डिस्काउंट को भी, ताकि पैरिटी बनी रहे किसको कितना मिल रहा है कैसे मिल रहा है, ये गवर्नमेंट बैठ के देखेगी और गवर्नमेंट को भी मिलेगा ऑब्वियसली टैक्सेस जो भर रहे हो। तो अच्छी चीज़ें हो रही है अभी तक सारी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो कि बहुत बढ़िया हुआ है, आज तक ये हुआ नहीं इंडिया में, मैंने नहीं देखी आज तक 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडिया में, एटलीस्ट मैंने बाहर में काफी ट्रैवल करा, मैंने बाहर जितने भी देश हैं मोस्टली 24/7 आती है, इंडिया में अभी तक नहीं देखी, मैंने इंडस्ट्रीज तक में 24/7 सप्लाई नहीं है इंडिया में, जो कि हाई पेइंग कंज्यूमर है, जो आपके लिए कंज्यूमर जो घर पर बैठा कंज्यूमर है उसकी बिजली सब्सिडाइज कर रहा है इंडस्ट्री वाला कंज्यूमर, 11-12 रुपए का टैरिफ भर के आपको 4-5 रुपए में बिजली मिलती है और किसानों को तो फ्री बिजली मिलती है। तो ये हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि जितने भी कंज्यूमर है रिगार्डलेस ऑफ कोई भी कैटेगरी हो आप, डिस्काउंट के ऊपर डंडा करा गया है कि भाई 24 घंटे रेगुलर पावर मिलनी चाहिए। तो ये हमारा एक डिस्पैच लोड सेंटर बनाया जा रहा है जिसके अंदर इंटरप्शन ड्यूरेशन देखी जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रप्शन देखी जाएगी, ये नया एक गवर्नमेंट हमारा बोल रही है नया बॉडी बनाओ जिसमें मॉनिटर करा जाएगा कितने घंटे लाइट आती है कितने घंटे लाइट जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेन मुद्दा आया हमारी बात का जहां पे ये प्रो कंज्यूमर वाली बात छुपाई जा रही थी और प्रोज्यूमर जो बोला जा रहा था, प्रोज्यूमर बहुत अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा था कि प्रोज्यूमर बनेंगे,
यहाँ पे ये मुद्दा आया मेन हमारा कि भाई सोलर के रिगार्डिंग ये पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, फाइनली नीटली टक्ड अवे इन द ड्राफ्ट, सो नो वन गेट्स टू नो व्हाट दे आर हाइडिंग, द टॉक अबाउट हाउ इट्स अफेक्ट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन। सोलर जैसा कि आप पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बहुत मैजिकल सी चीज है, कहीं पर भी लगा के आप अपनी बिजली खुद बना सकते हो। तो ये पॉलिसी इसको बोल रही है कि प्रोज्यूमर बनो, अपनी बिजली खुद बनाओ, लेकिन इसमें किसका फायदा हो रहा है एग्जैक्टली? अपनी बिजली बना के खुद का फायदा कर रही है गवर्नमेंट, या डिस्काउंट का फायदा कर रही है, कंज्यूमर का फायदा कर रही है? जैसा कि पिछले पॉइंट्स में हमने डिस्कस करा कि सबका फायदा हो रहा है, तो जैसा प्रोज्यूमर वाला इसके अंदर भी ऑब्वियसली सबका फायदा होगा। अब तक कंज्यूमर का बहुत अच्छा फायदा हो रहा था, तो इसमें यह सबका फायदा करने की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं कैसे सबका फायदा होगा। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट, सोलर एनर्जी बहुत अच्छी चीज है, आप अपने छतों पे लगाओ, जो कि बहुत अच्छी चीज है, सबको लगाना चाहिए। अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई आपने रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगा दिया, अब तक क्या होता था, नेट मीटरिंग थी, आपने एक यूनिट दिया, आप एक यूनिट ले सकते हो, चाहे वो आप 11 रुपए पे यूनिट ले रहे हो, चाहे आप 4 रुपए पे ले रहे हो। आपको मान लो स्लैब है, आपका 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए वाले स्लैब होते थे, आप कभी भी बिजली बना के कभी भी ग्रिड में डाल सकते हो, कभी भी ले सकते हो, 1:1 के रेशियो में कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 5 किलोवाट तक का जो कनेक्शन है, अगर सोलर 5 किलोवाट लगा है तो उसके अंदर रहेगी नेट मीटरिंग, 5 किलोवाट से ऊपर है तो उसके अंदर करेंगे हम ग्रॉस मीटरिंग। अब जो कंज्यूमर, जितने भी मोस्ट फर्स्ट अडॉप्टर्स हैं सोलर के, उनका लोड है 5 किलोवाट से ऊपर का, 5 किलोवाट से नीचे वैसे ही बिल नहीं आता, इतना कंजम्पशन नहीं होता। 5 किलोवाट मेनली सिंगल फेज है और बहुत रेयरली 5 किलोवाट थ्री फेज देखने को मिलता है। 5 किलोवाट से जैसे ही आप ऊपर जाते हो तब आपको थ्री फेज देखने को मिलता है और उनके आते हैं बिल, और वो होते हैं सोलर के कंज्यूमर, जो मेनली जल्दी जल्दी सोलर लगवाते हैं, जो कि इंडिया की अभी डिमांड है कि सोलर लगाना है हमें अपना 2022 तक का 175 गीगावाट का हमारा टारगेट है, वो हमें पूरा करना है। तो इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने चुपचाप एक पॉइंट लिख दिया छोटा सा, दो लाइनों का, कि भाई 5 किलोवाट है तो नेट मीटरिंग, 5 किलोवाट से ऊपर है तो ग्रॉस मीटरिंग। तो आप जानते हैं इसके अंदर ये कैसे कंज्यूमर को खराब है, कंज्यूमर के लिए, जो फैक्ट्री वाले लगाते थे बड़ा बड़ा कि भाई फैक्ट्री का अपनी बिजली हम खुद बनाएंगे तो हमारा कार्बन भी ऑफसेट हो जाएगा, बिजली सस्ती भी पड़ेगी, फैक्ट्री वालों का फायदा होगा। और घर पे जो लोग लगाते थे वो 1:1 देखते थे कि भाई हम दिन में तो ऑफिस में है, बिजली भेज देंगे, रात को आगे एसी चलाएंगे तो यूज कर लेंगे, तो हमारा भी फायदा। अब हम जानते हैं ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग में फर्क क्या है। नेट मीटरिंग जो चीज है, नेट मीटरिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, आपने 100 यूनिट ग्रिड में डाले मान लो और रात को आपने 100 यूनिट ले लिए, तो आपका हिसाब होगा जीरो, तो आपका मिलाएगा जीरो। नेट मीटरिंग काम कैसे करता है, आपका एक नया मीटर लगता है, इंपोर्ट मीटर बोलते हैं उसको, इंपोर्ट मीटर जो भी हमारा लगा हुआ है वो सिर्फ इंपोर्ट नापता है, वो देखता है कि हमने बिजली विभाग से कितनी बिजली खरीदी है। नेट मीटर जो होता है वो एक नया मीटर लगता है, एक्सपोर्ट मीटर वो देखता है कि आपने कितनी बिजली बेची है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट मीटर जो है ये आपके एलटी पैनल पे लगता है, तो ये इसका ग्रिड से लेना देना कुछ नहीं है, ये रीडिंग नापी जाती है बस इसके एक्सपोर्ट की, सोलर ने कितना बनाया। अब नेट मीटरिंग में क्या होता है, आपने मान लो आप दिन में घर पे हो, आपने अपनी बिजली खुद बनाई, तो आप खुद कंज्यूम भी कर रहे हो उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, आपके 100 यूनिट बन रहे हैं दिन के टाइम पे, आपने आप घर पे हो, आपके एसी चल रहे हैं, उसमें आपने 50 यूनिट कंज्यूम कर लिए, तो दिन के टाइम पे आपने खुद के खुद अपनी बिजली बना के खुद ही कंज्यूम कर ली 50 यूनिट, एक्स्ट्रा जो बिजली बन रही थी वो आपने ग्रिड में भेज दी, अब वो ग्रिड में क्रेडिट की तरह एक्ट हो गई 50 यूनिट। अब आप रात को आए, आपने 50 यूनिट फिर से मांग लिए ग्रिड से, तो ग्रिड दे देगा आपको 50 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपने 50 यूनिट दे रखे थे, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका, चाहे आपका स्लैब 11 रुपए पर पहुंच चुका हो बिजली कंजम्पशन का, आपको मिल जाएगा वो यूनिट। इसको बोलते थे नेट मीटर, अब तक ये चल रहा था रेजिडेंशियल सेक्टर में, बहुत अच्छी चीज थी, इससे एडॉप्शन सोलर की बढ़ रही थी, इंडस्ट्री वाले लोग भी फालतू सोलर लगा रहे थे कि हमारा जितना साल का कंजम्पशन हम सारा ग्रिड को अच्छे से इंप्रूव करेंगे, सब ग्रिड में डालेंगे सोलर से बना के, और रात में ले भी सकते हैं जिनकी 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। अब ग्रॉस मीटरिंग समझते हैं, ग्रॉस मीटरिंग क्या है। ग्रॉस मीटरिंग में एक अलग से मीटर लगता है, इसको बोलते हैं ग्रॉस मीटर, और इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपका नॉर्मल जो लगा हुआ है ग्रिड से बिजली आ रही है आप जैसा कि कंज्यूम कर रहे हैं। ग्रॉस मीटर में क्या है, आप दिन के टाइम पे चाहे आप घर पे हो, आप अपनी बिजली खुद बना के खुद उसी टाइम पे कंज्यूम नहीं कर सकते। आपने सोलर पावर प्लांट लगाया, सोलर पावर प्लांट डायरेक्ट बिजली डिस्कॉम को डालेगा, या बिजली अपने घर में एलटी पैनल में लेके कंज्यूम नहीं कर पाओगे। कई जगहों पे पॉलिसीज हैं ग्रॉस मीटर की कि आप खुद भी कंज्यूम कर सकते हो दिन में हो, बट मेनली आप ग्रिड में डायरेक्टली डालोगे, आपके एलटी पैनल में ये बिजली नहीं आएगी, आपके सोलर पैनल से निकल के इन्वर्टर से निकल के एक मीटर में जाएगी और मीटर से बिजली के खंभे में जाएगी। तो ये यहाँ पे ग्रॉस मीटर का काम हो गया सारा खराब। ये नेट मीटरिंग काम कैसे करती है, आपने किस भी यूनिट पे आपने डाला, आपने मान लो 4 रुपए 5 रुपए पे स्लैब चल रहा था आपका, महीने का पहला हफ्ता चल रहा है 4 रुपए पे चल रहा है हमारा स्लैब, हमने डाल दिया 100 यूनिट, ऐसे हम डालते जा रहे हैं। अब महीने के एंड में अभी जैसे सीजन चल रहा है बारिशों का, धूप नहीं आ रही, अब बनाना बंद कर दिया, तो हमें अब ग्रिड से खरीदनी पड़ेगी बिजली, तो हमने जो पहले बिजली के यूनिट बेच रखे थे ग्रिड को, अब हम वो ले सकते हैं विदाउट एनी डिफरेंस इन द प्राइस। आपने 7 रुपए पे बिजली खरीद रहे हो आप जैसे डिस्काउंट से, 7 रुपए पे आप बेच रहे हो उनको, तो ये 1:1 का रेशो है। ग्रॉस मीटरिंग में क्या है, आपने जो ग्रिड से आप बिजली ले रहे हो वो तो आप ले रहे हो 7 रुपए पे, लेकिन आप जो बेच रहे हो बिजली वो आप बिजली लोगे 3 रुपए पे 3.5 रुपए पे। इसके अंदर बहुत डिफरेंस रहेगा, जैसा कि हम यूपी जैसी स्टेट में देख रहे हैं, महाराष्ट्र जैसी स्टेट में देख रहे हैं, ये पॉलिसी अभी इंडस्ट्रीज में ये लागू कर चुके हैं, तो इससे सोलर की अडॉप्शन जो है वो काफी कम हो गई है, क्योंकि जो आपका नेट मीटर के अंदर लगा के सोलर प्लांट आपका 2-3 साल में पूरा पेबैक आ जाता था। मान लो आपने 3 लाख रुपए का प्लांट लगाया तो 3 लाख रुपए की बिजली को जनरेट करके पूरी वापस दे देता था आपको 2 से 3 साल में। अभी अगर ग्रॉस मीटरिंग हो गया तो ये इसका पेबैक पीरियड हो जाएगा 7 से 8 साल, जो कि प्रो कंज्यूमर नहीं है, जो कि प्रोज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो प्रो कंज्यूमर वाली बात यहाँ पे छुपी हुई है, ये सबके लिए बराबर हो जाएगा। डिस्काउंट का अभी तक घाटा हो रहा था, क्योंकि बहुत लोग बिजली डाल के फायदा उठा रहे थे, तो डिस्काउंट का यहाँ पे फायदा हो जाएगा, सरकार का फायदा हो जाएगा, एंड कंज्यूमर का थोड़ा बहुत फायदा होगा, रिटर्न तो फिर भी आएगा बट उतना जल्दी नहीं आएगा। तो ये जैसे चार्ट बनाया गया, ये मेरे मेंटर का चैनल है, आप जाके डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी की वीडियोस देख सकते हैं, सर ने मेरे को सिखाया है सोलर के बारे में, एंड आप इनके IIT बॉम्बे में जाके कोर्स करके खुद भी सीख सकते हैं और सर की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, एंड इनका अपना चैनल भी है सोलर न्यूज एंड नॉलेज, एंड यहाँ पे जाके और चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सर से मैंने चार्ट मंगाया, तो ये ग्रॉस मीटरिंग का चार्ट है।
अब इसके अंदर ग्रॉस मीटरिंग के चार्ट में मैं कैसे समझाऊं आपको, मैं यहाँ पे आता हूँ। आपकी कंजम्पशन है 150 यूनिट, आपने सोलर से 100 यूनिट बनाए तो आपका 51 यूनिट एक्स्ट्रा बने, तो 51 यूनिट आपने घर से लिए, उसका बिल आ गया 7 रुपए के हिसाब से 357 रुपीस फिक्स चार्जेस प्लस ये, तो आपका ये चार्जेस आ गए। अब ये यहाँ पे आते हैं जिस दिन आपने फालतू बिजली बनाई, आपकी टोटल कंजम्पशन है 100 यूनिट, आपने सोलर से बनाई 164 यूनिट, तो 64 यूनिट आपने ग्रिड में डाल दिए। अब ये जो ग्रिड में डाले हैं तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र का, जैसे आईआईटी बॉम्बे में है सर चेतन सिंह सोलंकी जी, तो यहाँ पे आपने जो बिजली बेची है 64 यूनिट्स जो आपने ग्रिड में बेचे हैं, ये आपको 3 रुपए के हिसाब से, जैसा कि आप देख सकते हो 3 रुपए के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से आपको ग्रिड देगी, तो आपका यहाँ पे इतना अच्छा फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पे जैसे 281 कंजम्पशन है, 100 यूनिट आपने सोलर ने बना दिया और इधर इधर ऐसे चल के, ये इसमें ग्रॉस मीटरिंग में कंज्यूमर का फायदा नहीं है, नेट मीटरिंग में कंज्यूमर का फायदा है, ग्रॉस मीटरिंग में कंज्यूमर का लॉस है इन लॉन्ग रन, क्योंकि जो भी सोलर से बिजली बनती है अगर वो खुद दिन के टाइम पे कंज्यूम नहीं कर पाता तो लॉस है। तो ये जो फैक्ट्रीज हैं जो दिन के टाइम पे चल रही है उनके लिए अच्छा है, जो घर हैं घर पे रहते हैं उनके लिए अच्छा है, जो ऑफिस गोइंग है उसके लिए अच्छा नहीं है ये। तो ये पॉइंट समझना क्यों जरूरी है, और मेरा पर्पस बनाने का वीडियो यही है कि आप ये क्वेश्चन पूछ पाओ डिस्कॉम को और मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कि ये जो पॉइंट है ये इतना चुपचाप दो लाइनों में क्यों खत्म करा गया, इसकी डिटेल्स बताओ कंज्यूमर को, जो प्रो कंज्यूमर वाली बातें हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे हमें डिटेल्स चाहिए, हमें कैसी डिटेल्स चाहिए कि भाई नेट मीटरिंग से जो हाउ डज दिस नेट मीटरिंग चेंज टू ग्रॉस मीटरिंग इज यूजफुल फॉर कंज्यूमर, हमारे लिए क्या फायदा हो रहा है इसमें। डिस्कॉम को तो फायदा है, पिछली कंज्यूमर पॉलिसी में जो हमने डिस्कस करी उसमें हमारा फायदा था, डिस्कॉम का भी फायदा था, गवर्नमेंट का भी फायदा था, इस पॉलिसी के अंदर ग्रॉस मीटरिंग में कंज्यूमर का कहां से फायदा हो रहा है, कोई रेट डिसाइड करा है इन्होंने अभी तक कि 7 रुपए पे ले रहे हो तो 10% कम दे देना, 15% का डिफरेंस रहेगा सिर्फ, ये तो 50% डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है पूछने वाला। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो बर्डन है ग्रॉस मीटरिंग का, ये सोलर डेवलपर्स को कैसे इफेक्ट करेगा, जो प्लांट सेटअप करते हैं और जो स्मॉल कंज्यूमर है, मीडियम कंज्यूमर है, लार्ज कंज्यूमर है, इसको कैसे इफेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी अभी तक तो नहीं है पूरे इंडिया में, नेट मीटरिंग पॉलिसी भी नहीं है, एमएनआरई ने नेट मीटरिंग पॉलिसी बना रखी है, हर स्टेट की अपनी नेट मीटरिंग अलग पॉलिसी चल रही है, तो यहाँ पे जो ये पूरे इंडिया की एक कंज्यूमर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ग्रॉस मीटरिंग जो इन्होंने लिख दिया है, नेट मीटरिंग भी लिख दिया है, तो इसके बारे में भी कंज्यूमर को बताया जाए कि नेट मीटरिंग में क्या है, ग्रॉस मीटरिंग में क्या है और पूरे इंडिया में कैसे रहेगा, क्योंकि अभी तक एमएनआरई जो देख रही है सोलर की इंस्टॉलेशन और सब्सिडी रिलीज, एमएनआरई ने सब्सिडी रिलीज करी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज करी सब्सिडी वेंडर को, हमें एज अ कंपनी, और हम अपफ्रंट काट करेंगे कंज्यूमर को। तो ये जो सब्सिडी का इतना बड़ा चेंज चल रहा है, इतना पेपर वर्क चल रहा है, इतना टाइम लगता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को क्यों नहीं देते जो बाकी सब्सिडीज देते हैं ये। अच्छा, ये नेट मीटरिंग कंज्यूमर को क्यों नहीं बताई गई अब तक कि कैसे काम करती है, पॉलिसी में भी नहीं बताई उन्होंने आज तक, और एमएनआरई ने भी नहीं बताई नेट मीटरिंग, मैंने जैसे आपको स्लाइड में दिखा दिया, एमएनआरई ने भी ऐसे स्लाइड में दिखा रखा है कि ऐसे काम करती है, बाकी ये डिस्कॉम की मनमर्जी के ऊपर है कैसे नेट मीटरिंग काम करती है। 6 महीने में सेटलमेंट हो रहा है कई जगह पे, कई जगह पे 3 महीने में, कई जगह पे पूरे साल का इफेक्ट सेटलमेंट हो रहा है, तो सोलर का इतना ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा कंज्यूमर को अगर ये ऐसे काम करते रहेंगे। अच्छा, तो ये जो रेट है, जैसे मैंने ये रेट की बात करी कि ग्रॉस मीटरिंग का रेट कैसे डिसाइड करेंगे ये लोग, बायबैक जो कर रहे हैं, अगर मैं बिजली इनसे 7 रुपए पे ले रहा हूँ एज अ कंज्यूमर, तो ये मेरे से 5 रुपए पे 6.5 रुपए पे बायबैक करें अपना जो बिजली के चार्जेस, ये जो मैं इनके इंजेक्ट कर रहा हूँ ग्रिड के अंदर, इनके जो तारे लगे हुए हैं, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस ले रहे हैं मेरे से, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो चार्जेस लग रहे हैं वो इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है 3.5 रुपए और 7 रुपए, 50% का डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए अगर मैं सोलर से बिजली बना के दे रहा हूँ, अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तो मैं प्रोड्यूसर कैसे हुआ, मैं तो प्रोज्यूमर बोल रहे हैं ना, मेरे को प्रो कंज्यूमर है ना पॉलिसी, इससे मेरा फायदा तो नहीं हो रहा एज अ कंज्यूमर, और एज अ सोलर बिजनेस भी मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। ये मेन क्रक्स है जो छुपाया जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो गवर्नमेंट बिजली खरीदेगी वो किस रेट पे खरीदेगी, और जो ये सेटलमेंट हो रहा है, जो कि मैं स्लाइड पर जाकर दिखाऊं, ये जो यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है -151 का, ये मेरे को कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ये नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में मेरे को डाल दिया जाएगा, अगर कैश मिलेगा तो अच्छी बात है, मैं एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ अपनी छत पे लेने के लिए बेनिफिट। अच्छा, तो ये इंपैक्ट क्या होगा इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, जो कि मेन सोलर का एडॉप्टर है, इंडस्ट्रीज पे बड़े बड़े आप प्लांट देख रहे हो यहाँ पे लग रहा है, इनको कैसे इफेक्ट करेगा ये, और ये डिस्कॉम के हक में है ये वाला कि गवर्नमेंट कह रही है कि बड़े यूटिलिटी पावर प्लांट लगाओ, आप छत पे मत लगाओ, फायदा तो होगा नहीं, 7 साल में रिटर्न आ रहा है, तो एज अ कंज्यूमर आप या फिर कोई भी कंज्यूमर है जो अडॉप्टर है, जिसके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए सोलर में, वो सोचेगा अगर मेरा 7 साल में रिटर्न आ रहा है तो 3 लाख रुपए का अगर मेरा प्लांट लग रहा है, और अगर मेरे को उसका रिटर्न 7 साल में मिल रहा है तो मैं एफडी ना करवा दूं 3 साल की, एफडी पे 7% का रिटर्न लगा के चलता हूं, मैं 10% का रिटर्न फॉर सीनियर सिटीजन लगा के चलता हूं, तो मेरा रिटर्न तो डबल ट्रिपल हो जाएगा 7 साल में, यहां पे तो मेरे को सिर्फ 3 लाख रुपए वापस मिल रहा है 7 साल में। तो ये चीज गवर्नमेंट से पूछने वाली है कि इसके अंदर कैसे रेट डिसाइड करोगे आप। तीसरी चीज और आखिरी चीज जो है इसमें पूछने वाली गवर्नमेंट को कि भाई ये बेनिफिट कैसे करेगा और सोलर की अडॉप्शन बूस्ट कैसे करेगा इंडिया में, जो 2022 तक का टारगेट है हमारा अचीव होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें चुपचाप जल्दी जल्दी एक पेज के अंदर अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की कवर कर दिया प्रोज्यूमर के नाम पे। तो ये सारी चीजें पूछने वाली हैं कि कैसे होगा ये वाला काम, रीडिंग कैसे होगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप एज अ कंज्यूमर, आपका राइट है जाके आप मेल करें इनको और पूछें कि मेरे को कैसे बेनिफिट हो रहा है इसमें। अच्छा, यहाँ पे वो सारी बातें हो गई। अब अडॉप्शन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा इन्होंने बोला कि ऑनलाइन आप जमा करो एप्लीकेशन, आपको डिस्कॉम को जवाब देना ही पड़ेगा कि आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। अच्छा, पहले डिस्कॉम मना कर देते थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास ट्रांसफार्मर ले नहीं सकता बिजली, तो अब वो डिस्कॉम मना नहीं कर सकता आपको, आपने बोल दिया सोलर लगवाना है तो डिस्कॉम को कुछ मर्जी करके सोलर लगवाने के लिए ओके करना पड़ेगा, चाहे वो अपग्रेड करें अपना सिस्टम, तारे अपग्रेड करें, तो ये कंज्यूमर के हक में है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैपेसिटी अपग्रेड करके कुछ मर्जी करके कंज्यूमर को लगाना है तो वो लगाएगा, तो इसका जवाब आपको डिस्कॉम देगी 20 डेज के अंदर अंदर। पहले 30 डेज था, अब ये 20 डेज हो गया, जो कि सही है। अच्छा, अब 30 डेज के अंदर अंदर जो नेट मीटर नहीं लगता था, मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा जैसे स्टेट में
नेट मीटरिंग का हम लोगों ने एज अ कंपनी वेंडर जो हमने प्लांट लगाए हम लोगों ने देखा 6 महीने 8 महीने तक डिले होता हुआ कि मीटर ही नहीं लगाने आ रहा है DHBBN, तो इनके पास मीटर ही नहीं थे। तो ये गवर्नमेंट ने बोला है हर डिस्कॉम को कि आपका नेट मीटर का कनेक्शन लग जाना चाहिए 30 डेज के अंदर अंदर, जो सोलर का मीटर हुआ उसका 30 डेज के अंदर अंदर इंस्टॉलेशन करना ही पड़ेगा आपको। अच्छी चीज़ है ये डिस्कॉम, देखें इसके अंदर पूरे इंडिया में बहुत डिफरेंसेस हैं तो ये बढ़िया है कंज्यूमर के हक में। अच्छा, अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं थी, आपने एप्लीकेशन अभी दी, कभी 3 महीने हो रहा है डिले, कभी डिस्कॉम से 6 महीने डिले हो रहा है, एज अ वेंडर हम लोगों ने प्लांट लगा दिया, अपफ्रंट सब्सिडी काट के दे दी कंज्यूमर को, वो नेट मीटर ही नहीं लगा तो कंज्यूमर की पेमेंट रुकी हुई हमारी कि नेट मीटर नहीं लगा, प्लांट लाइव नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हो रहा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर हमें भी पे नहीं करेगा, तो इसमें सबका लॉस हो रहा था। अब गवर्नमेंट कह रही है डिस्कॉम को कि जितने भी दिन से अगर आप डिले करोगे, अगर यहाँ पे आपको बोला 30 दिन के अंदर अंदर मीटर लगना है, अगर वो 35 दिन हो जाता है 40 दिन हो जाता है, जितने भी पर डे आपको पेनल्टी चार्ज देगा 500 रुपये डिस्कॉम को, तो बहुत अच्छी चीज़ है, डिस्कॉम 500 रुपये का पेनल्टी चार्ज देगा। अब ये किसको देगा हमें नहीं पता, गवर्नमेंट कह रही है कि कंज्यूमर को मिलना चाहिए, तो कंज्यूमर को कैसे मिलेगा, कैश में मिलेगा, अकाउंट में मिलेगा, कैसे मिलेगा ये नहीं पता। तो चलो ये सारी अच्छी बातें हैं, अब आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ये जो हमारी गवर्नमेंट एक अलग से बॉडी बनाना चाह रही है कि भाई 24/7 सप्लाई रहे, तो इन्होंने बोला स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस भी देखे जाएंगे ग्रिड के, जिसके अंदर पावर हार्मोनिक्स आता है, डिस्टॉर्शन आता है, अर्थ लीकेज करंट आते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन आती है, तो ये सारी चीज़ें बोल रही है गवर्नमेंट कि भाई स्टैंडर्ड बनाओ एक जिसके अंदर बढ़िया तरीके से सप्लाई करो इलेक्ट्रिसिटी, कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए सप्लाई में, अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, डिस्कॉम को बोला गया कॉल सेंटर सेटअप करो, कभी भी कंप्लेंट आ सकती है तो कॉल सेंटर होना चाहिए, ईमेल पे, एसएमएस पे, ये सारी चीज़ें अवेल करवानी है डिस्कॉम को टू कंज्यूमर, 24/7 कंप्लेंट सेंटर रहेंगे, ग्रीवेंस सेंटर रहेंगे, एंड एस्केलेशन होगी मैटर की ताकि जल्दी जल्दी सॉल्यूशन मिले कंज्यूमर को। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ग्रीवेंसेज का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा डिस्कॉम को, बोला गया कि एक डिपार्टमेंट बनाओ, और डिस्कॉम को बोला गया ये सब कंज्यूमर के रीच में होना चाहिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ये कंज्यूमर के रीच में होना चाहिए। अब तक जो हम इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में लगते थे, इनके विंडोज पे खड़े रहते थे जमा कराने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। यहाँ पे ये मॉनिटरिंग जो होगी इसकी ग्रीवेंसेस की, ये स्टेट गवर्नमेंट बॉडी एंड गवर्नमेंट बॉडी भी देखेगी साथ में, कमीशन बना के गवर्नमेंट बॉडी देखेगी कि क्या डिफिकल्टीज आ रही है कंज्यूमर्स को और क्या डिफिकल्टी आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं ये लोग, अवेयरनेस बनाने के लिए ये एड रन करेंगे, अखबार में डालेंगे और ऑनलाइन पोर्टल्स में डालेंगे, ऐप बनवाएंगे अपनी ताकि कंज्यूमर के रीच में हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और ये एक्सपेक्टेड है डिस्कॉम से। 2020 में जब इतना चीप हो गया इंटरनेट, तो ये एक्सपेक्टेड है हमारी गवर्नमेंट का और हमारी प्राइवेट कंपनीज का कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो, जैसे कि मैं वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ ये ऑनलाइन, ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनीज आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती है ऑनलाइन, तो ये करनी चाहिए 2020 में आके, अब रिफॉर्म हो रहा है तो होना चाहिए, दिस वॉज मच अवेटेड रिफॉर्म एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट दे हैव डिसाइडेड दैट इट शुड बी रिफॉर्म। अब तक 24/7 सप्लाई कहीं नहीं है पूरे इंडिया में, एंड यहाँ पे ये बात हो रही है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन अवेयरनेस करेगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो दैट इज ऑल, एंड आपको मैं बोलूंगा कि आप अपने यहाँ पे ये जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, आप इन ईमेल्स पर जाके अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। ये ईमेल्स हैं sandeep.naik68@gov.in एंड debranjan.chattopadhyay@nic.in, यहाँ पे आप अपना सजेशन दे सकते हैं, इनको प्रेस कर सकते हैं कि हाँ अच्छी पॉलिसी है, मैं तो प्रेस भी करूँगा, मैं कंप्लेंट भी करूँगा, मैं फीडबैक भी दूंगा इनको। तो मैं चाहता हूँ आप एज अ कंज्यूमर जो वीडियो देख रहे हैं ये भी आप भी जाके करें, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए तो काफ़ी हक वाली बातें हो रही हैं, बट सोलर इंडस्ट्री के लिए इसके अंदर काफ़ी खराब बातें हो रही हैं, जिससे ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, एंड क्वालिटी ऑफ जो ग्रोथ हो रही थी, जो क्वालिटी हम पीक पे चल रहे थे, वो डिक्लाइन हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। तो 2022 तक का टारगेट अचीव होने में डिफिकल्टीज आ सकती है गवर्नमेंट को, जो कि 175 गीगावाट का टारगेट है, जिसके अंदर 40 गीगावाट आएगा रूफटॉप सेक्टर से, एंड रूफटॉप सेक्टर इज द मेन सेक्टर। वी सोलर आपका एज अ कंपनी, वी डोंट लाइक दीज लार्ज ह्यूज मेगा स्केल पार्क्स, जो सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यूज करा जा रहा है जस्ट फॉर सोलर, क्योंकि सोलर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, आप कहीं पे भी बैठ के अपनी बिजली बना के खुद कंज्यूम कर सकते हो। तो ये जो इतने बड़े पार्क्स लग रहे हैं गांव के अंदर, तो ये शहर के अंदर जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस तो उतने ही हो रहे हैं इसके अंदर, तो ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा कंज्यूमर का, कंज्यूमर को तो 4-5 रुपये पे ही बिजली मिल रही है, जबकि सोलर से 2.5 रुपये पे बिजली बनती है। तो वो जो लॉसेज हो रहे हैं ट्रांसमिशन के, इतने सारे आर्किटेक्चर डाले जा रहे हैं, एंड वो जो लैंड ऑक्यूपाई करा जा रहा है फॉर मोर देन 30 ईयर्स, दैट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो वी डोंट सपोर्ट ह्यूज मेगा स्केल पार्क्स, वी सपोर्ट रूफटॉप सेक्टर, क्योंकि रूफटॉप में आप कहीं पर भी सोलर लगा के कहीं पर भी बिजली बना सकते हो एंड ऑफसेट कर सकते हो कार्बन फुटप्रिंट। तो हम ये सारी चीज़ें प्रेस भी करूंगा मैं गवर्नमेंट का फॉर दिस ड्राफ्ट, काफ़ी कंज्यूमर के हक में बातें हुई हैं, एंड मैं थोड़ा सा निंदा भी करूंगा यहाँ पे सोलर वाला जो पॉइंट है प्रोज्यूमर, यहाँ पे थोड़ा खराब भी हुआ है। तो आई विल बी सेंडिंग माई ईमेल, एंड आपको अगर ईमेल ड्राफ्ट चाहिए तो आप नीचे दिए गए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल गिव यू द ड्राफ्ट, जो कि आप खुद पढ़ के कुछ चेंजेस करने हो तो आप भेज सकते हैं इस ईमेल पे, एंड मैं ड्राफ्ट ये जो पॉलिसी है इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पर जाके ये ड्राफ्ट भी पढ़ सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर नाउ, एंड वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सो लेट्स वाइंड अप द वीडियो एंड टेक केयर।